बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब अपना पेंसिल बॉक्स निकाल लें। और हमने नज़म हम पढ़ी थी ना बेटा, उसका जो है अब वर्कबुक का जो वर्क है वो करना है। तो अच्छे से पेंसिल शॉर्प कर लें और साफ सुथरा काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए पहला सबक, पहला जो सबक है नज़म हम का दूसरी क्लास का, दो एम क्लास का, उसका वर्कबुक का काम, ठीक है ना। तो पहला जो सबक नंबर एक है उसके आप देखें, सबक नंबर एक पर देखें, इन देखे अल्फाज है ना सबक नंबर एक के, उसमें है पहला है आसमान। आसमान पता है ना आपको, आसमान कितना बड़ा है। तो एक दफा यहाँ रखेंगे लाइन पे अच्छा सा करके आसमान, फिर दोबारा यहाँ इन देखे अल्फाज लिखेंगे जहान, कब्जे, ठीक है, वास्ते और देखने, ठीक है। ये आप अच्छे से लिख लिया आप लोगों ने। आप देखेंगे जो है ना दूसरा जो सवाल है आपका, मंदरज अल्फाज को इनके मायने से मिलाएं। तो ये जो अल्फाज दिए हुए हैं ना यहाँ पर, बड़ाई, बख्शना, कब्जा, ठीक है, ये तीन अल्फाज है ना। और सामने तीन अल्फाज है इख्तियार, अजमत, मुफ्त देना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं आपको। बड़ाई के मायने अल्लाह ताला बड़ा है, बहुत बड़ा, बड़ाई अल्लाह ताला की बयान करते हैं ना, तो हम क्या इसकी बड़ाई अजमत, अल्लाह ताला की अजमत बड़ाई बयान करते हैं ना, तो इससे अजमत से मिलाएंगे, ठीक है, इसके मायने ये। अच्छा, अब बख्शना, जैसे हम किसी को कोई चीज़ बख्शते हैं, अल्लाह ताला ने हमें आंखें बख्शी हैं, हाथ पांव बख्शे हैं, तो इसके क्या मायने, यानी मुफ्त देना अल्लाह ताला ने, हम इसका कोई हम किराया तो नहीं दे रहे ना अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें बख्शी हैं, बस ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इसका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। तो बख्शना अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ना ये सब चीज़ें। अब ये है तीसरा, क्या है, कब्जा, इख्तियार, यानी इख्तियार, कब्जा करना, यानी अब आपकी मलकियत में कोई चीज़ें होती हैं, जैसे बैग आपका है, आपकी बुक है, यानी आपका इस पर कब्जा है ना, कोई और तो नहीं ले सकता ना ये, तो कब्जे के मायने इख्तियार, ये हो गया था, स्केल से अच्छी तरह साफ सुथरा करना है, ठीक है। आप तीसरे पे आ जाए, आप जुमले बनाए, ठीक है, जुमले बनाए, पहला है प्यास, जहान, आग, नींद, ठीक है। अच्छा, प्यास, हमें प्यास लगती है ना, तो अब हम जुमला बनाएंगे, भूख और प्यास में अल्लाह ताला हमें खिलाता है, जब हमें प्यास लगती है तो अल्लाह ताला खिलाता है ना, भूख और प्यास आ गया ना, ये देखिए प्यास आ गया यहाँ पर, ये ना ज्यादा चाहिए जुमले में, अल्लाह ताला हमें खिलाता है। अब दूसरा है जहान, जहान यानी पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है ना, ये दुनिया और जहान अल्लाह ताला ने बनाई है, ये आ गया ना, बट जहान जो दिल कर दिया हुआ था उसमें बड़े जरूर आना चाहिए, तो ये जुमले बनाए हो गया ना आपके, दूसरा हो गया। अब तीसरा है आँख, हमें अल्लाह ताला ने आँख देखने के लिए अदा की है, आँख में अल्लाह ताला ने दो दी है ना, लेकिन यहाँ पर एक है, आँख ये होता तो दो होती, तो एक है ना आँख, यानी हमें आँख अल्लाह ताला ने देखने के लिए दिया ना, जमा नहीं है आँख एक है तुम्हारी, हमें अल्लाह ताला ने आँख देखने के लिए दी है, हो गया आपका। अब तीसरा लाइन से सफाई से करना है काम, नींद, हम सोते हैं ना रात को, रात अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाई है, ठीक है, नींद, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने रात को नींद नहीं ली, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा सा बनाएंगे, साफ सुथरा काम करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज का और दूसरा काम मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।